अस्सलाम वालेकुम कुछ अम्बिस नाम से कि ऐसे मीने फैसला एक मेंशन है। आज के वीडियो में मैं अपने साथ शेयर करूँगी ग्लाइकोलिक एसिड सीरम का रिव्यू, जो कि देखते हैं कुछ इस तरह से इसकी आउटर पैकिंग कार्डबोर्ड की होती है, सेम टू सेम इसी तरह के कलर में। और ये आपको 10% ग्लाइकोलिक एसिड मिलेगा। इसके अंदर रिजुविनेटिंग, एक्सफोलिएटिंग और ग्लोइंग इसके ऊपर क्लेम किया गया है। 3 इसके मेन हाइड्रेटेड पॉइंट्स। उसके अलावा ये आपको मिलेगा ग्लास बोतल के अंदर विद द 30 ml की क्वांटिटी। 30 ml का प्रोडक्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। ग्लाइकोलिक एसिड होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी कीमत क्या है, मिलेगा कहाँ से, ये सब कुछ मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। सर स्टेट मेट्रिक और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात आ जाती है कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत है 500 रुपया। 500 रुपये में ये आपको मिलेगा बआसानी। और दूसरी बात, मिलेगा कहाँ से, जहाँ से ये आपको मिलेगा वो मैं नंबर लिंक वगैरह जो उनसे हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, जस्ट बिकॉज आप लोगों की आसानी के लिए। क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि आपने बताया नहीं कि मिलेगा कहाँ से, हमें मिल नहीं रहा, तो मैं लिंक मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से बआसानी इसे बाय कर सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और उसके अलावा कॉमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूँगी। ये करता क्या है, आपके चेहरे के ऊपर से ये दाग धब्बों को हटाने में मदद करता है एक्सफोलिएटिंग के जरिए। ये ऐसी एक्सफोलिएटिंग नहीं है कि आपने इसे लगा के रगड़ना है, ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट अपने चेहरे को धो लेना है, उसके बाद आपने इसके चंद कतरे लगाने हैं अपने जिल्द के ऊपर, साफ जिल्द के ऊपर। और जब आप इसे स्टार्ट करोगे लगाना, तब आपने इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाना है। ऐसे नहीं करना कि पूरा हफ्ता नहीं लगाया, बस 2 दिन लगा लिया, ये वाला हिसाब नहीं करना। आपने आज लगाया तो आप 2 से 3 दिन छोड़ के फिर आप इसे लगाओगे। इस तरह से आपने इसे स्टार्ट करना है एंड देन फिर आप इसे अल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर ले जाओगे। जैसे कि अगर आपने आज लगाया, कल नहीं लगाओगी, परसों लगाओगी, ठीक है, 1 डे का गैप देना स्टार्ट कर दोगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। बट क्योंकि ये 10% है और उसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड है, मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, इट्स नॉट सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। तो जी ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है, बाकी आपकी जो भी स्किन टाइप है आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आपने यूज़ करना है लेटिक एसिड, जिसके ऊपर भी वीडियो आ रही है, स्टे कनेक्टेड फॉर दैट। सेंसिटिव स्किन वाले लेटिक एसिड यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी जो उनसे स्किन टाइप्स हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर सकती हैं बिना झिझक। ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और उसके नए सेल्स को बाहर लेकर आता है। इसके साथ आपको ये होता है कि आपकी जो सी स्किन है वो आपको एक्स्ट्रा स्मूथ दिखती है और होती भी है, और मेकअप की एप्लीकेशन काफ़ी स्मूथ और क्लियर हो जाती है। आप लोग मेरी जल्द भी दे सकती हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ। ये आप देखें, ये आप दे सकती हैं मेरी जल्द, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, क्योंकि एक आध वीडियो में मैंने मेकअप कर लिया था रिप्रेजेंटेबल लगने के लिए। लेकिन आप लोगों ने कहा, कुछ मेरी प्यारी बहनों ने कहा कि जी आपने तो खुद इतना मेकअप किया हुआ है, हम किस तरह यकीन करें। तो जी ये आप देख सकते हैं, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके करेगा जी ये दाग धब्बों को ख़त्म, धूल फेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, वो धुंधलाते जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बट आप लोगों के ऊपर एक शर्त लागू है, जो कि वैसे भी है कि आप लोगों ने सनब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। सनब्लॉक अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो आपको किसी भी प्रोडक्ट का ना ही रिज़ल्ट मिलेगा और बल्कि आपको नुकसान होगा। चाहे आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो कि नहीं, आपको नुकसान ही होगा, कभी भी आपकी जल्द ठीक नहीं होगी बगैर सनब्लॉक के। तो ये थे जी इसके फ़ायदे। और आपने जब भी ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करना है या कोई भी केमिकल एक्सफोलिएशन आपने करनी है, तो वो आपने बिलो 10% ही यूज़ करनी है, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकती है और वो आपको नुकसान दे सकती है, ठीक है। प्लस वो प्रिस्क्रिप्शन पे ही आप यूज़ कर सकती हैं। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपसे कुछ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मेरी आने वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।